हेलो गाइस, तो तुम्हारा भाई फिर से एक माइनक्राफ्ट की न्यू वीडियो लेकर आ गया है। एंड सबसे पहले जो लोग काम करते हैं ना वुड काटना, तो मैंने भी वुड काटना स्टार्ट कर दिया था। एंड वुड काटने में मैंने टोटल 2-3 पेड़ मतलब ट्रीज काट दिए थे, क्योंकि मुझे इनफ ऑफ वुड चाहिए था ताकि मैं अपने मतलब टूल से सब कुछ बना सकूं एक बार में। एंड उसके बाद मैं अपने प्लेस के लिए निकल सकूं। तो मैं ट्री काट रहा हूं एंड देखना आप कितने ट्री काटता हूं मैं। तो आप इन्जॉय कीजिए वीडियो को। एंड मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों बाद आपको माइनक्राफ्ट की वीडियो देखने को मिल रही है, क्योंकि गाइज मेरे अभी भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं अभी भी बुक्स रखे हुए हूँ, बट आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई है। तो देख सकते हैं गाइज मुझे एप्पल मिल गया था, उसके बाद मैंने अपना क्राफ्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया। तो मैंने ओक प्लैंक्स बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मुझे चेस्ट वो होती है क्राफ्टिंग टेबल बनानी थी, और मैंने 2-4 स्टिक्स मतलब टोटल 8 स्टिक्स भी बनाई। और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक ओक की सैपलिंग भी मिल गई थी, तो मैं इसे कहीं भी प्लांट कर दूँ यार, इस ये किसी के भी काम की नहीं है अभी मेरे। तो मैंने यहाँ पर स्टिक्स बना ली टोटल 8 एंड ब्लॉक्स प्लैंक्स बना लिए थे। तो अब मैं बनाने वाला था टूल्स, एंड टूल्स में मैंने सबसे पहले अपनी स्वाड बनाई, वुड की एंड एक्स बनाई, उसके साथ मैंने पिकैक्स भी बना ली थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी क्राफ्टिंग टेबल तो मेरी बन चुकी है, तो मैंने यहाँ पर चेस्ट बना ली। एंड चेस्ट बनाने के बाद मेरे पास ये वाइट वाले ओ मतलब डोर बना लिए मैंने, प्लैंक्स पड़े हुए थे। मैंने एक एप्पल से मुझे कुछ गोल्डन एप्पल दिख रहा था, तो मैं मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा, बट मैंने उसको क्लिक किया तो मुझे समझ में आया कि उसके लिए मुझे गोल्ड चाहिए होगा, तब मेरा गोल्डन एप्पल बन जाएगा। टोटल मुझे यहाँ पर 2 एप्पल मिल गए थे। तो मैंने सबसे पहले अपनी ये क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ा एंड उसे उठाया। अब उसके बाद मैं यहाँ से निकल गया अपना विलेज को ढूंढने के लिए। तो विलेज ढूंढते ढूंढते मुझे अभी मैं निकल रहा हूँ, अपना सारा सामान को चेस्ट में रख देता हूँ। एंड मैंने सब कुछ रख दिया था, एंड मतलब ज़रूरी टूल्स मतलब जो मुझे चाहिए थे तो वो मैंने हाथ में लिए। एंड यहाँ से मैं निकल गया अपना विलेज को ढूंढने के लिए। एंड गाइस आप यकीन नहीं करोगे, मेरा लक इतना अच्छा था कि मुझे पास में ही विलेज मिल गया है। एंड आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर विलेज मिल चुका है। एंड अब मैं इसमें लूट करने वाला हूँ, मतलब सबसे पहले तो मैं अपना मतलब रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट करूँगा यहाँ पर, किसी बेड मुझे जल्दी से बेड मिल जाए। इधर मुझे पहले ही हाउस में बेड मिल गया था, तो मैंने यहाँ पर अपना रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट कर दिया, जिससे मैं दोबारा गेम खोलूँ तो यहाँ पर स्पॉन हो जाऊँ तुरंत। एंड उसके बाद मैं आगे बढ़ा एंड देखने लगा कि यहाँ पर क्या क्या है, तो मैं इस घर में घुसा एंड ये फार्मर मुझे देख रहा था, एंड मैं इसके अंदर घुस गया। उसके बाद मैंने इसकी चेस्ट खोली और यहाँ पर मुझे 3 एप्पल 2 ब्रेड मिल चुकी थी, तो मैंने ये जल्दी से उठा लिए क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे और लूट मिलती है यहाँ पर कि नहीं। तो मैंने ये सब उठा लिया और सैपलिंग का मुझे कुछ भी नहीं करना था, तो मैं यहाँ से इसको देखने लगा। 2 फार्मर यहाँ पर आ गए थे, तो मैंने ब्रेड इन्हीं को दे दी, सालों ब्रीथ तो करो यहाँ पर, विलेजर्स को बढ़ाओ, क्योंकि मुझे अब यहीं पर अपना मतलब मेंशन बनाना है, अपना कासल बनाना है, तो जल्दी से जल्दी ब्रीथ करो एंड यहाँ पर बहुत सारे विलेजर्स लाओ। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड्स इनको फेंक रहा था, बट गिर नहीं रही थी ब्रेड, अब इस बार गिर गई थी, तो मैं इसने ब्रेड उठा ली एंड मैं यहाँ से खड़ गया। तो ये देख रहे हो, ये फिर से मेरे सामने गेट लगाकर खड़ा हो गया, तो मैं इसके अंदर गया एंड गेट को खोला एंड मैं बाहर। तो उसके बाद मैंने सेकंड या थर्ड, हाँ इसके बाद मैं यहाँ पर आया, तो इस यहाँ पर जो जिसने ये विलेज बनाया था तो उसकी क्राफ्टिंग टेबल देखी मुझे। एंड उसके बाद ये पानी यानी जो भी भरा रहता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। एंड उसके बाद मैंने इन्हें बंद किया एंड बैरल को चेक किया, तो बैरल में मुझे कुछ भी नहीं मिला है गाइस, एंड बैरल में मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं यहाँ से निकल गया एंड अगले होम को ये आयरन मैन से मतलब अरे ये आयरन गोलम है ना, इसके साथ में एक बार फंस गया था, तो इसने मुझे मार दिया था पिछले मैच में। एंड इसके बाद मेरे पीछे ये पड़ गया, ये क्रीपर, तो मैं साले को मतलब इससे मुझे एक चीज़ तो अच्छी हुई गाइस, क्योंकि मुझे गन पाउडर मिल गया था, टोटल 2 गन पाउडर मिल गए थे मुझे इससे, एंड ये मर गया। एंड अब मैं जा रहा हूँ इसका गन पाउडर उठाने, तो मुझे गन पाउडर देख रहे हैं आप गाइस, मुझे गन पाउडर मिल चुके हैं टोटल 2। एंड इसके बाद मैंने सबसे पहले ये पिगी भैया यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हटाओ तो इस बच्चे को मार के मुझे कुछ मिलेगा नहीं। एंड यहाँ पर गाइस ये मेरा मतलब जो होता है ना आर्मर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, क्योंकि इसकी चेस्ट में मुझे जो मिलने वाला है ना गाइस, वो आप सोच नहीं सकते कि मुझे इस वर्ल्ड में इतनी जल्दी कैसे मिल गया।
क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, कॉबल स्टोन नाम के एक भी स्टोन नहीं था मेरे पास। तो जल्दी से जल्दी मैंने इसकी चेस्ट चेकआउट की एंड मुझे यहाँ पर चेस्ट प्लेट मिल गई, वो भी आयरन की, एंड 3 ब्रेड और मिली मुझे। तो मैंने ब्रेड उठा ली, और ये मतलब घोड़े का पट्टा, इसका मुझे अभी भी कुछ काम नहीं था तो मैंने नहीं उठाया। एंड अब इसके बाद मैंने चेस्ट प्लेट को पहना एंड यहाँ से देखने लगा कुछ अगर मुझे मिल जाए कुछ पकड़ा हो इसका आर्मर का, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। एंड इसके बाद मुझे ये दिखा तो इसको मैंने ख़त्म किया, तो इससे मुझे बूल मिल गया था जिससे मुझे अपना बेड बनाना था। बट बेड में मुझे क्या करना है यार गाइज, मैं तो कभी भी यहाँ से बेड उठा सकता हूँ ना किसी भी ब्लेजर के घर से। तो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ की हाउस घरों को चेकआउट करने में लग गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर जितनी लूट मिल जाए उतनी ही अच्छा है। और गाइस इसके अंदर मैंने यहाँ पर आया और इसकी चेस्ट खोला तो मुझे यहाँ पर एप्पल, और देख सकते हैं गाइस मुझे एमरेल्ड, टोटल 3 एमरेल्ड मिले और टोटल 5 एप्पल, एंड उसके साथ मुझे बहुत सारे पटेटो मिल चुके हैं। देख सकते हैं गाइस आप मुझे कितने सारे पटेटो मिले हैं। एंड एमरेल्ड मैंने पहले उठा लिए, पटेटो को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे इनफ फूड मिल चुका था, एंड इसलिए छोड़ दिया मैंने, क्योंकि गाइस अब मैं यहीं पर अपना कासल बनाने वाला था। तो मैंने अभी सोचा कि क्या उठाना है इतना सारा, अपना ही तो है सब कुछ, तो मैंने बाद में उठाने का सोचा। एंड मैं उसके बाद और घरों को चेकआउट करने के लिए निकल गया, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने यहाँ से चुपचाप निकलने में अपना मतलब दिमाग लगाया एंड इधर से निकला, तो मैंने यहाँ पर जिस शॉप थी शॉप में कुछ घंटे के अलावा टंगा ही नहीं था। तो मैं इसके बाद अगले होम को चेकआउट करने घरों को चेकआउट करने के लिए निकल गया एंड मैंने अपना फूड सारा चेस्ट में रख दिया। एंड उसके बाद मैं देखने के वो चला गया कि आगे कुछ मिलता है कि नहीं। तो मैं जल्दी से जल्दी अपने सारे घरों को चेकआउट करने में लगा हुआ था, क्योंकि मुझे यहाँ पर और कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। एंड इधर भी मुझे कुछ नहीं मिला है, एंड ब्लेजर्स देख रहे हैं सर गाइज आप कितने गड्ढे में हैं। एंड मुझे यहाँ पर वो फ्लिंट मिल जाता ना तो गाइज मैं आप पर ये ट्रीज को साफ करके एक ओपन विलेज बना सकता था, एंड मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पर देख रहे कहीं जहाँ तहाँ देखो आप गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं यहाँ, और यहाँ पर मतलब कुछ ही बंदों के मतलब घरों में सिर्फ यहाँ पर चेस्ट पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर चेस्ट एक भी नहीं है, और इन बंदों को कुछ भी मतलब जॉब है ही नहीं है। एंड मेरे पास जैसे ही कुछ मिलता है मुझे तो मैं इनको जॉब देने का पूरा ट्राई करूँगा। मुझे पहले सबसे पहले कोबल स्टोन चाहिए गाइस, तो कोबल स्टोन मुझे मिल जाए गाइस। यहाँ पर देखिए आप एप्पल, मुझे फिर से यहाँ पर बहुत सारे एप्पल एंड पटाटोज मिल चुके थे, एंड मुझे फूड की कोई भी कमी नहीं थी। टोटल मुझे 20 एप्पल मिल चुके थे, आप देख सकते हो। मैंने पटाटोज भी बहुत सारे मतलब उठा लिए थे, एंड टोटल मुझे देख सकते हैं आप कितना सारा फूड मिल रहा है। एंड पटेटोज को मैंने छोड़ दिए, एंड मैंने 17 एप्पल्स उठाए एंड यहाँ से दोबारा निकल गया, क्योंकि मुझे और भी बहुत कुछ लूटना था। एंड मैं दोबारा ऐसे ही घर में आया एंड नाइट होती दिख रही थी मुझे कुछ, तो मैं यहाँ से निकल गया। बट मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर बहुत सारे बेड हैं तो मैं कहीं भी सो जाने वाला था। एंड यहाँ पर मैं आया तो यही वही वाला घर था जहाँ पे मैंने सबसे पहले लूट की थी मतलब बैरल चेक की थी, बट मुझे बैरल में कुछ भी नहीं मिला था। तो सबसे मैं यहाँ पर आया एंड यहाँ पर मैं देखने लगा कि मुझे कुछ और करना है कि नहीं। तो मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पर नाइट होती दिख रही थी तो मैंने सोचा कि मैं सो जाऊँगा अब और सो कर डे कर लूँ और फिर से अपने काम में लग जाऊँ। एंड नाइट होती दिख रही तो मैं इस बारे घर में आ गया वापस, क्योंकि मुझे अब सोना था। एंड यहाँ पर कोई ब्लेजर आर्मर पहले से आया एंड यहाँ पर सो गया, तो मैंने उस आर्मर को जगाया एंड मैं सोने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। मतलब बेड कह रहा था अभी नहीं तुझे सोने दूंगा। एंड फिर से वो आर्मर आया एंड मैंने उसे फिर से जगा दिया, एंड जगाने के बाद मुझे फिर नींद आई। मतलब समझ रहे हो ना गाइस, वो ब्लेजर को मैंने 2 बार जगाया है एंड उसके बाद मैं सो पाया हूँ। एंड मैंने सोते ही अपना डे कर लिया दोबारा, एंड डे होते ही मैं अपने विलेज को और एक्सप्लोर करने एंड डिज़ाइन करने के लिए निकल गया। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इनको सीप्स को मारने वाला था, क्योंकि मुझे चाहिए थी वूल एंड खुद का एक पर्सन। एंड मैं सीप्स को मारते ही जा रहा था एंड दूसरी वाली सीप कहाँ गई यहाँ का, तो वुड मैंने ले लिया है। एंड इसके बाद
मैंने इसको भी मारा और इसका भी वूल ले लिया। एंड अब फूड और वूल दोनों पर मेरे पास आ चुके थे, तो मैंने सबसे पहले अपना मतलब बेड तो नहीं बनाऊंगा मैं अभी, एंड और चीज़ों को चेकआउट करने में मैं लग गया कि यहाँ पर और क्या क्या है। मुझे हेवल्स एक भी नहीं मिली, नहीं तो मैं ब्रेड बना लेता। एंड यहाँ पर मुझे दो बेड मिले नीचे, एंड उसके बाद मैं ऊपर गया तो मुझे दो बेड और मिले, एंड एक चेस्ट मिली। और इस चेस्ट में मुझे फिर से चार एप्पल और एक ब्रेड था। मतलब मैंने यहाँ पर दो एप्पल उठा ली। मैं हर चेस्ट में कुछ ना कुछ उठा रहा था। ऐसे ही मेरे पास 20 एप्पल हो चुके थे, 20 एप्पल हो चुके थे, इनफ फूड हो चुका था मेरे पास। फिर भी मैं यहाँ पर चेकआउट करने में लगा हुआ था कि क्या मुझे यहाँ पर मिलता है। तो मैं रिस्पॉन पॉइंट हर जगह मतलब मेन मेन जगह पर मैं सेट कर रहा था कि मुझे अच्छा रिस्पॉन पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ पर जो भी था बट ठीक था। मैं और अपना कासल तो बनाने ही वाला हूँ, बट जब तक मुझे यहाँ पर अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट करना होगा। एंड इस जगह पर मैंने अपनी जे मतलब क्राफ्टिंग टेबल रख दी। एंड यहाँ पर मैंने एक वुडन शवल बना लिया, और यहाँ पर मैंने बहुत सारी स्टेयर्स को भी बना लिया, क्योंकि स्टेयर्स मुझे इसलिए चाहिए थी गाइस, क्योंकि मैं अपने इस विलेज में यहाँ पर स्टेयर्स लगाने वाला हूँ, मतलब सीढ़ियाँ हर जगह पर लगाने वाला हूँ, जिससे विलेजर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर काम करने में, जिससे मुझे ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं आगे जाकर विलेजर्स को बहुत सारी जॉब्स एंड बहुत कुछ देने वाला हूँ इस विलेज में। तो मैंने यहाँ पर अपनी स्टेयर्स को लिया हाथ में, एंड यहाँ सवल भी ले लिया, एंड उसके बाद मैं यहाँ से निकल गया। एंड सबसे पहले मुझे ये दिखा, तो मैंने इनको मतलब तोड़ना चालू किया ब्लॉक्स को, एंड ब्लॉक तो टूटते ही मैंने यहाँ पर अपनी स्टेयर्स को प्लांट कर दिया। एंड यहाँ पर मैंने ये ब्लॉक्स उठा लिए, एंड उसके बाद मैं इधर आया तो मैंने 2x स्पीड पर कर दिया गाइस वीडियो की, आपको मतलब ये कुछ बोरिंग ना लगे, तो मैंने इसको स्पीड में कर दिया। एंड यहाँ पर मैं फिर से ब्लॉक्स को तोड़ने में लग गया, मतलब ये क्या कहते हैं इसको, ये जो भी कहते हैं गाइस, मतलब हाँ एक कि कुछ तो कहते हैं गाइस, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट मैं बाद में ध्यान कर लूँगा, तो आप लोग देखते जाइए वीडियो को। तो हाँ, डर्ट ब्लॉक कहते हैं इसको, डर्ट ब्लॉक्स को मैंने तोड़ना चालू कर दिया। एंड इसके बाद मैं जल्दी से जल्दी जाकर हर जगह पर स्टेयर्स को लगाना चालू कर रहा था, क्योंकि मुझे स्टेयर्स लगाकर अपने विलेज को बहुत अच्छा बनाना था। तो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर मैंने स्टेयर्स को लगा दिया था, एंड स्टेयर्स मैंने बैक में भी लगा दी थी। उसके बाद मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ पर भी स्टेयर्स का काम चालू कर दिया, एंड स्टेयर्स लगाने वाला था मैं यहाँ पर भी, तो आप देख सकते हैं स्टेयर्स का काम मैं बहुत अच्छे से कर रहा था। तो हम यहाँ पर स्टेयर्स लगाने के बाद यहाँ के नीचे को भी स्टेयर्स लगाने वाले थे, तो यहाँ पर मैंने ऊपर स्टेयर्स लगा दी थी। उसके बाद मैं नीचे आया तो मैंने नीचे को भी स्टेयर्स लगा दी, एंड यहाँ पर डर्ट ब्लॉक को उठा लिया। एंड उसके बाद मैं आगे को निकल गया, तो यहाँ पर देखा मैंने कि ये विलेजर्स हवा में फार्मिंग करने में लगे हुए थे, तो मैंने उसको ठीक किया। उसके बाद मैं यहाँ पर आया तो मैंने स्टेयर्स का काम फिर से चालू कर दिया, तो मैंने यहाँ पर इन डर्ट ब्लॉक को तोड़ा एंड स्टेयर्स को प्लांट करने में फिर से लग गया था मैं गाइस। तो आप देख सकते हैं मैं डर्ट ब्लॉक को, इनफ ऑफ डर्ट ब्लॉक मेरे पास हो जाने वाले थे थोड़ी देर में, तो मैंने डर्ट ब्लॉक को तोड़ना चालू किया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टेयर्स को प्लांट कर दिया। एंड बहुत दिनों बाद गाइस वीडियो आई है माइनक्राफ्ट की, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड अच्छा खासा रिस्पांस भी देना गाइस, मतलब कमेंट तो कर ही देना आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टेयर्स को प्लांट किया, एंड यहाँ पर मेरी वो स्टेयर्स ख़त्म हो गई, तो मैंने दूसरी वाली स्टेयर्स को लगा दिया। उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैं यहाँ से निकला तो मैंने देखा कि शिप्स फिर रही थी, बट मैंने शिप्स को मानना ज़रूरी नहीं समझा। आयरन गोलम से तो मैं आयरन लेने ही वाला हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपना आयरन का वो बनाना है आर्मर। तो जैसे ही मेरा आयरन का आर्मर बनेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब करके दिखाने वाला हूँ। तो सवाल से पहले मैंने सबसे पहले यहाँ का मतलब जो रोड होती है ना गाइस, यहाँ पर सड़क, तो ये सही करने में मैं लग गया, क्योंकि मुझे अपना विलेज बिल्कुल एक नंबर का चाहिए था गाइस। तो मैं धीरे धीरे अपने विलेज को कस्टमाइज़ करने में लगा हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, एंड विलेजर्स कैसे चल फिर लेते हैं। तो इस गाइस इस चीज़ को मैं कंप्लीट करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। एंड यहाँ पर मैं उस वीडियो में इस जंगल को भी, आसपास का जंगल है ना जो, इसको भी साफ करके ही आपको दिखाऊँगा, आपको ये जंगल मैं दोबारा नहीं दिखाऊँगा। तो अगली वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, बट इस वीडियो को आप इन्जॉय कीजिए। एंड ये विलेजर्स को देख रहे हैं कहाँ पर जा रहा है साला इस गधे को।
तो वो तो जा रहा है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड अब मैं यहाँ पर देख तो रहा था कुछ कि मुझे मिल जाए। एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।